क्या जंगल पड़े है, आप कहाँ जाना है? हाँ बस 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 गुड मॉर्निंग जी, अब तैयारी चल रही है आगे बढ़ने की। तो आज का प्लान है लोंगेवाला का और धनोट माता मंदिर, उसके साथ में बॉर्डर जो अपना है LOC है वहाँ पे जाने का। तो अभी मैं हवा भर रहा हूँ वापस, 22 के आसपास मैंने एयर करी हुई थी और अब मैं 30 कर रहा हूँ इसके अंदर। ये अपना मिशेलिन का 4x4 वाला कंप्रेसर है, 30 करने में फ्रॉम 22 बस हो गया। अभी मैंने ऑन किया था कैमरा, ऑन किया इतनी देर में 22 से 30 पहुंचने वाला, मैं भी 1 मिनट मैक्सिमम। उसके अलावा इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी है, अदरवाइज़ हम लोग अपनी टिप्स को लूज़ कर देते हैं। तो आप जैसे जिसकी भी ओपन करते हो यहाँ पे उसको टाइट कर दो जिससे कि आप लूज़ ना करो उसको। सब टायर्स में एयर प्रेशर वापस थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब हम मोस्टली रोड्स पे रहेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं उठा रहा हूँ जिससे कि इन केस अगर हम थोड़ा सा एनकाउंटर करना चाहें रास्ते में ड्यून्स वगैरह को तो ठीक ठाक रहे। तो मैं इन टायर्स के हिसाब से 33 PSI जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं इसमें जनरली हाईवे पे फ्रंट में 35 और पीछे 38 रखता हूँ। सो राइट नाउ आई एम गोइंग 33 चारों के अंदर। तो जी वी आर ऑफ टू लोंगेवाला बॉर्डर। अब अपन पहले डलवाएंगे डीजल क्योंकि गाड़ी में डीजल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। चलो जी टाटा। ड्यून बैशिंग में थोड़ी देर में ही आपका टैंक आधा हो जाता है। पीछे चढ़ा हुई है, धुआं दे रही है गाड़ी सामने और ओस बहुत पड़ती है भाई इधर। उस दिन जब मैं रात को निकला था गाड़ी में था 22 के आसपास, पता ही नहीं लग रहा था कि नीचे गड्ढे भी आ रहे हैं। तो इन टायर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एयर प्रेशर चाहिए होता है उतना खड़ा होने के लिए जितना खड़ा स्टॉक टायर्स 33 पे ही हो जाते हैं। तो 33 मुझे पहले ज़्यादा लगता था स्टॉक टायर्स में, तो मैं उनको 29-27 पे चलाता था। पर इस गाड़ी में जब ये टायर डले तो मैं अगर 35 के ऊपर भी चला जाता हूँ तो भी वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये सही लगी मुझे, मे बी रबर कंपाउंड या जो भी चीज़ है। नहीं भैया नहीं, अरे मेरे को नहीं करना बाय, मैं जा रहा हूँ बाय। ये सोच रहे होंगे कि मैं आया हूँ अभी, नहीं भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। तो अपने को लोंगेवाला बॉर्डर जाने के लिए शाम वाले रोड पे जैसलमेर से शाम की तरफ चलना पड़ेगा और शाम से 116 किलोमीटर और जैसलमेर से लगभग 160 किलोमीटर लोंगेवाला बॉर्डर है। रोड बहुत अच्छे हैं राजस्थान के। अब ये रोड सिर्फ उससे बेहतर होंगे, कम नहीं होंगे। जो रोड अब तक देखे आपने, अब रोड उनसे बेहतर ही होंगे, कम नहीं होने वाले हैं। सो ये चीज़ कमाल की है यार। ये आ गया SR का पंप शाम का, तो अब एक बार ज़रा टैंक फुल करा लिया जाए फिर अपन चलेंगे आगे। तो फ्यूल अप डन। अभी एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो ये शाम वाला पंप है इसके बाद में सीधा अपने को रामगढ़ में पंप मिलेगा जो कि यहाँ से लगभग ठीक है। तो अपने को अब सीधा रामगढ़ में फ्यूल मिलेगा जो कि लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अपना यहाँ से पूरा कोटा पूरा करके चला जाए। तो भाई मैं शाम में हूँ अभी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो अपना पूरा नीचे सॉल्ट घुसा हुआ है तो सॉल्ट एक बार निकाला जाए। वैसे ये रेगिस्तान वाले एरियाज में प्रॉब्लम ये होती है कि जनरली पानी नहीं मिलता। इससे फालतू क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, बहुत है ये तो। तो भाई ये है अपने सामने शाम का थाना और उसके सामने एक ही यहाँ पे गाड़ी वॉश करने वाला है। तो मेरी गाड़ी में नीचे जो सांबर लेक वाला सॉल्ट लगा हुआ है वो मैं साफ कराने इधर आया हूँ।
तो ध्यान से, मतलब मेन रोड से इधर लेफ्ट लोगे आप, फिर यहाँ थाना आएगा, थाने के सामने ये जगह है विवेक मोटर्स, ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर। तो भैया आप इसका सॉल्ट निकलवाते हैं, फिर निकलते हैं भारतमाला से लोंगेवाला। तो भैया यहाँ स्पेशल चाय बनती है, यहाँ पे शाम की चाय पी के देखते हैं। चाय पी दे तो जी, चीयर्स। तो भैया शाम की चाय पी रहे हम लोग, ये फेमस है चाय। ये चाय तो हाँ, ये काजम भाई बोल रहे थे कि भाई ये चाय पीनी ज़रूरी है, तो चाय पियेंगे फिर गाड़ी पिक करेंगे फिर निकलेंगे। राजस्थान में ऐसी कहीं चाय नहीं मिलेगी, शाम की जैसी चाय आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी। अब सुन लो भाई, देख लेना आप लोग भी आगे। हाँ, डेजर्ट सफारी करनी है तो भाई से बात करना, भाई कासम डेजर्ट सफारी। तो भाई 2 दिन यहाँ बिताए मैंने इनके साथ में, पूरा मज़ा आया। इनके यहाँ पे पूरा 50 टेंट का सेटअप है और उसके साथ में फिर डेजर्ट सफारी भी ये खुद कराते हैं, तो खतरनाक ड्राइवर है मतलब कुल मिला के। भाई मैं कैसे चला रहा था, ठीक चला रहा था? नहीं, बहुत बड़े चला रहे थे आप। एक बार मैंने ना टू व्हील ड्राइव में गलती से घुसा दी, मेरे को लगा ये चल क्यों नहीं रही, अब फिर देखा नीचे में गया। मैंने सोचा कि इसका कोई प्रॉब्लम हो गया। नहीं 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 नहीं, वो मैं बाहर निकला था और मैं बाहर निकल के मैंने टू व्हील ड्राइव में डाल ली थी, फिर मैं वैसे ही एंट्री करके वो ठीक ठाक चल रही थी, पर जब वो अंदर गड्ढे में घुसी तो मैं यार ये तो बैठ गई, फिर मैंने देखा नीचे। चलो भाई रोड। तो भाई गाड़ी वॉश्ड, एक्चुअली पीस ऑफ माइंड मिल जाता है यार कि अब सॉल्ट नहीं है, मतलब जो आपका एसओपी है, एसओपी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो अपना ये है कि भाई सॉल्ट में गई है तो धुल जानी चाहिए फटाफट से। अब हम चलेंगे जी भारतमाला की तरफ, बहुत ही 4 किलोमीटर। अरे आंटी, तो बताओ भाई हाउ इज़ द रोड। मज़ा आ जाता है जब ऐसे लाइक खुले खुले एरियाज में ऐसे काले काले प्लेन, यू नो, वाइड रोड। यार एक एनिमल दिखाई दिया, कुछ अलग टाइप का सा था, पूंछ एंड ऑल, क्या हो सकता है? ओह शिट, फॉक्स है यार।
तेज गाड़ी चलाते हैं भाई लोग इधर। फॉक्स है यार, किसी ने ठोक दी इसको, हटा देते हैं रोड से तो कम से कम इसको यार। भाई ध्यान से चलाया करो यार, अब और लोग चढ़ते इससे अच्छा है ना, हटा दिया इसको, मूड ऑफ हो गया यार। चलो कम से कम चीतड़े तो नहीं उड़ेंगे बेचारे के मरने के बाद। साइड में करती है, बड़ी ग्रेसफुल सी होती है फॉक्स, यू नो, सुंदर सी छोटी सी। चलो भैया क्या कर सकते हैं, इसीलिए इन रोड्स पे बहुत तेज़ चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। जानवरों को मतलब इतना आइडिया नहीं होता गाड़ी का, वो क्रॉस कर रहे हैं टकरा जाते हैं। अभी कितनी गाड़ियां गई हैं, 130-140 पे गाड़ियां चल रही हैं, बताओ बच्चे कहां से झेलेंगे। कोई बड़ा जानवर आ जाता है तो लाइक नीलगाय वगैरह आ गई तो गाड़ी पलट जाती है, फिर आदमी पे तरस आएगा देख के। अब छोटा जानवर है तो गाड़ी उसको पलटा देती है, वो बेचारा वैसे। अब हम बढ़ रहे हैं भाई लोंगेवाला की तरफ, 52 किलोमीटर 52 मिनट्स। अब एक और कुछ गया है रोड क्रॉस करते हुए, लेट मी सी क्या था, छुप गया उधर तो नहीं भागा भाई साहब, यहीं पे छुप गया वो नीचे कहीं पे कुछ था, पर मतलब कोई शाय एनिमल ही था जो भी था। ये बेचारे ऐसे निकलते हैं छुप के, जैसे नई नवेली दुल्हन घूंघट करके रहती है, तो ये बेचारे भाग नहीं पाते, ऐसे रोड पे ऐसे निकलते हैं नीचे को दुबक के, फिर तेज गाड़ी आती है वो ठोक देते हैं इनको। अभी पीछे एक और जानवर किनारे पे रोड के पे पड़ा हुआ है, अब देखते हैं ये क्या है। ये सारे के सारे रेयर एनिमल्स होंगे यहाँ पे, नॉर्मल तो होगा नहीं कुछ, और स्पीड जो है इस रोड की वो इनको लपेटे जा रही है। ये भी फॉक्सी लग रही है मुझे भैया, ये भी फॉक्सी है भाई साहब। चलो ये तो रोड के साइड में ही है, पर क्या यार बेचारी इनकी तो क्लास ही लग गई है फॉक्सेस की तो भैया। नहीं नहीं, हाई स्पीड रोड जहाँ पे भी बनते हैं वहाँ पे एनिमल्स के साथ में यही होता है जनरली, क्योंकि उड़ती हुई गाड़ियाँ जाती हैं। मैंने नोटिस किया है जब जहाँ पे हमारा घर है उसके पास से भी एक नया बाईपास बना था कभी 10-15 साल पहले, तो वहाँ पे क्या था कि वो रोड भी मतलब खाली रहता था, और जैसा ये रोड दिखाई दे रहा है इससे तो वो मतलब सिंगल साइड रोड था इस तरह का। तो वहाँ पे क्या होता था कि रेगुलर बेसिस पे आपको, क्योंकि वहाँ पे हमारे उधर नॉर्मल जगहों पे तो डॉग्स ज़्यादा होते हैं, तो आप अगर निकले तो 5-7 डॉग्स आसमान की तरफ पैर करके नहीं पड़े हुए मिले तो भैया कोई बात ही नहीं, मतलब नॉर्मल था वो। धीरे धीरे सालों बाद, सैकड़ों हज़ारों मरने के बाद उनको आइडिया मिला कि भैया सीखा, मतलब इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं, तो फिर जानवरों ने सीखा कि भैया ऐसे रोड पार करना है, और तब जाके जान बचेगी, या रोड पार नहीं करना है। तो दो फॉक्स मुझे विद इन 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स दिखाई दी रोड के ऊपर पड़ी हुई। एक तो बेचारी बीचों बीच थी, चलो ये तो साइड में थी कम से कम।
अब इसका तो मुझे पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, झबरू सा। ये भेड़ है, ये भेड़ है। यहाँ पे गाड़ी का भी लग रहा है कि गाड़ी का भी कुछ अच्छी तरह से हुआ है। ये रास्ता दिखाया इसने 7 किलोमीटर का कच्चा, मुझे पता नहीं कि इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए या रोड पे जाना चाहिए था। कोई दिखेगा तो पूछने का तो अपना बनता है, देख लेते हैं। चलो इधर भी कच्चा रास्ता, कोई लेगा तो कहाँ पहुँचेगा। ये कहाँ है जा रहा है ये रास्ता? ये क्या जंगल पड़े है? आप कहाँ जाना है? मेरे को लोंगेवाल। टर्न लेफ्ट। तो वापस रोड पे तीन किलोमीटर, वो गलत था रास्ता। मुझे लगा लोंगे वाला गांव होगा शायद उधर, जो भी है देखना तो चाहिए जाके क्या था। तो जी हम LOC की तरफ चल दिए हैं अभी, क्योंकि 4 बजे वो बंद हो जाता है। 2:10 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अपने को फटाफट से पहुंचना पड़ेगा क्योंकि फिर लफड़ा हो जाएगा, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। रोड तो ज़बरदस्त है इधर, तो ज़्यादा टाइम वाइम तो लगने वाला है नहीं। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तनोट माता का मंदिर, वो शाम को लेट तक भी आप देख सकते हो। उसके बाद में फिर एक दो जगहें और हैं इधर जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे लाइक करेंगे, सब करेंगे इधर। तो तनोट मंदिर रह गया सिर्फ 4-5 किलोमीटर, फटाफट से पहुँचते हैं। उसके आगे 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब हम LOC पहुँचेंगे। 3 किलोमीटर रह गया अब तनोट, अतः तो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वहाँ जाके परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ेगी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। पर अपने कर्नल साहब जिंदाबाद, इंडियन आर्मी का अलग ही स्टेशन है। यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है LOC, तो एक कंट्रोल्ड बॉर्डर है। एक आप स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ती है, एंट्री करानी पड़ती है, अपना एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और उसके बाद में आप आगे बढ़ जाओगे। बाकी देखते हैं भाई चल के हाउ द फेंस लुक्स लाइक बिटवीन 2 कंट्रीज। और अगर कोई पूछना चाहे तो हाँ, यहाँ पे लोंगे वाला बॉर्डर पे सिविलियंस अलाउड है, अगर कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो। और आप थनोट माता मंदिर आते हो वहीं पे वो चेक पोस्ट है जहाँ से आप परमिशंस वगैरह लेते हो। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ चेक पोस्ट और इस तरह की जगहों की इंटरेक्शन की वीडियोस लेना, क्योंकि वी नेवर नो कि हम वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो अगर आपको 1% भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो ना करना हो, तो आप मत करो। ये आ गए चेक पोस्ट हमारे, अब कैमरा बंद। यहाँ पे एंट्री करेंगे आपकी, ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद हम चलते चले जाएंगे आगे। है तो खैर डेजर्ट ही। हम पहुंच गए हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, क्योंकि ये एक ऐसी साइट है जो कि टूरिस्ट साइट है एक तरह से, तो भीड़ है थोड़ी वहाँ पे, तो मैं थोड़ा पहले रुक गया। उधर देखो काफ़ी भीड़ है उधर,
आई एम ऑल्सो वन ऑफ द यूट्यूबर. मैंने अभी रिसेंटली मेरी बेटी के कहने से स्टार्ट किया हुआ. ओके ओके. ट्रैवल गेमर एक्चुअली. नो नो नॉट ट्रैवल गेमर. गेमर या व्हिच गेम? मैं सिमुलेशन में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ. पास है यूरो ट्रक है, अमेरिकन फार्म वाला अभी कर रहा हूँ. सो मतलब यू आर प्लेइंग सिंस एजेस है? या अच्छा, ये जोमेटो वाला लड़का हो गया, कूपन इससे नहीं. अपना तो सिंपल सा फंडा है, वो गहराई में बाद हो जाएंगे. आपका कहाँ पे हुआ? EXL. EXL ये क्या करती है? कंसल्टिंग की फर्म है अभी तो. ये बेकार है मेरे लिए. तीनों EXL में तीनों हम भी कूपन इसी से लेने. अरे निकाल देंगे, लगा लो लगा, इसके आगे लगा लो. यहीं पे फंस गई. टायर गंजे हैं शायद इसके. टायर तो हैं यार. लग जाएगी इधर. ऐसे काट लो थोड़ी सी. कम काट कम काट. हाँ बस 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 बस. तो भाई ये थे हमारे IIT दिल्ली के कुछ होनहार बच्चे. सारे प्लेस्ड हैं चारों के चारों, अच्छी अच्छी कंपनीज में. 22-23 साल एज है. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो भाई ये है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर. जय माता दी, जय माता दी. तो भाई ये था असली बॉर्डर. लौंगे वाला लाइक मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल थी ये. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप बोलें तो लगभग 60 किलोमीटर फ्रॉम जो लोंगे वाला वॉर मेमोरियल है उससे. अब यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो जब मैंने बोर्ड देखा तो भाई मैंने नहीं की. उसके बाद में वहाँ पे मैं देख रहा था फोर्स से BSF से जो थे वो मना कर रहे थे. उसके बाद भी लोग आगे जा रहे थे, वो कह रहे हैं आगे मत जाओ, आगे जा रहे थे. उसके बाद में फोटोग्राफी मत करो, फोटोग्राफी भी कर रहे थे. सुन लिया करो यार. ये देखो जी ईकॉम एक्सप्रेस की डिलीवरीज. और यार इन ट्रिप्स पे जो लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं, शायद मुझे लगता है कि उन लोग को उस व्लॉग में होना चाहिए जब मैं शूट नहीं करता. जनरली मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता उस टाइम पे, तो मैं कैमरा लेने नहीं जाता और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाते, तो मुझे फिर वो लगता है इंटरप्ट करके उसको लाइक वो नकली सी कॉन्वर्सेशन लगेगी. अदरवाइज़ जिन लोगों से मिलते हैं दोज आर सॉर्ट ऑफ मेमोरीज. फिर लाइफ में दोबारा मिलना हो ना हो तो शायद एक बार वो चीज़ कैप्चर कर लेनी चाहिए. पर पता नहीं यार, वो अपने अंदर वो ऐसे लगता है कि डुप्लीकेसी सी लगती है कि कैमरा लेने गया एंड यू नो फिर बात कर रहा है उसको रिकॉर्ड करने. तो अभी हम हैं लोंगेवाला म्यूजियम में. तो ऐसी पानी की बॉटल होती थी, ये इलेक्ट्रिक लैंटर्न्स, प्रिज्मेटिक कंपासेस, ये बाइनोकुलर्स, और ये हैं वो ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्होंने लोंगे वाला बैटल में जान लगा दी थी और जीता था. ये एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं. अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग जनरली इन चीज़ों को मतलब अगर हम ध्यान दें तो मूवीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं. जैसे बॉर्डर मूवी बनी थी इस वाले बैटल पे, तो मतलब उस मूवी ने कितना तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था हम लोग के ऊपर. तो हम छोटे छोटे बच्चे होते थे जब हमने वो मूवी देखी थी, तो ये वो जगह है, मतलब नॉस्टैल्जिया है. तो एक बात माननी पड़ेगी, वॉर तो एक्चुअली कोई नहीं चाहता. ये तो आर्मी भी लाइक जो ये मूवी दिखाते हैं हम लोग को, क्लियरली आर्मी भी बोलते हैं कि भाई वॉर तो होना नहीं चाहिए, बट अगर हो तो जीता कैसे जाता है, ये एक एग्जाम्पल है ये वाला. Thank you, Indian Army.